सवाल था कि जब जकात देने की बात आती है शेख, तो जो मांगने वाले आते हैं उन्हीं को जकात दिया जाता है, जबकि अपना मुआशरा, अपना घर, अपना पड़ोस बर्बाद हुआ पड़ा रहता है। और होता क्या है कि जो अपने गांव के लोग होते हैं वो कहीं और जाते हैं जकात के लिए, और दूसरे गांव के जो लोग होते हैं वो अपने पास आते हैं, और क्या बोलते हैं जो अपने सरपंच होते हैं, जो सरदार, सारा पैसा उनको दिया जाता है, जबकि अपने हाथ से मतलब बांटते ही है। तो ये कहाँ तक सही है, और क्या हमें अपने जकात पैसे से अपना मुआशरा पहले ठीक करना चाहिए, ये जो गरीब मांगने के लिए आते हैं उनको देना चाहिए? जी शेख, देखिए जकात के सिलसिले में जो हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुअखदु मिन अग्नियाइहिम व तुरद्दु अला फुकराइहिम, मालदारों से लिया जाएगा, उनके मालदारों से लिया जाएगा और उन्हीं के गरीबों में लौटा दिया जाएगा। इस हदीस से उलमा ने यह इस्तदलाल किया है कि जहां पे जकात निकल रही है पहले वहां के गरीबों को दिया जाए, वहां के जो जरूरतमंद और मोहताज हैं पहले उनको दिया जाए, अगर उनसे फाजिल हो तब फिर दूसरी जगहों पर दिया जाए। तो जो वहां पे लोग मौजूद हैं वो इसके असल मुस्तहिक हैं, उसके ज्यादा मुस्तहिक हैं। तो सही तरीका ये है कि आपके गांव में, शहर में, मोहल्ले में जो गरीब, फुकरा, मसाकीन, यतीम, मोहताज, बेवा जो भी रहते हैं और जो जकात के मुस्तहिक हैं, आप पहले उनको तकसीम करें, जब उनसे ज्यादा हो जाए तो फिर दूसरों को दें। और ये जो भिखारियों को देते हैं लोग, इसमें भी एक बहुत बड़ा इश्काल है। जैसे भीख मांगने कोई आ रहा है तो आप तो उसको नहीं जानते हो, जो भीख मांगने आ रहा है आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो ये कौन है, जबकि जकात देने के लिए जरूरी है कि वो आदमी फकीर या मिस्कीन हो। बहुत सारे भिखारी जो है लखपति होते हैं, बहुत सारे भिखारी भीख देने वालों से ज्यादा अमीर होते हैं, वो जो है मैला और गंदा कपड़ा पहन लेने से वो जकात के मुस्तहिक थोड़ी हो जाएंगे। तो वहां पर तो पहली बात यही नहीं पता होता है कि फकीर मिस्कीन है भी कि नहीं। तो आप अगर उस मांगने वाले को कुछ देना चाहते हैं तो आप जकात के अलावा से कुछ दीजिए ना, सदका का रास्ता तो खुला हुआ है। तो जो जकात फकीरों और मिस्कीनों का हक है उसी में, उसी को आप क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? सदकात जो है, नफली सदकात का दरवाजा तो शरीयत ने खोल रखा है, तो आप उनको अलग से दीजिए। और बाकी जो जकात है उसको बाकायदा आप जब जो है कंफर्म करके कि हाँ ये आदमी मुस्तहिक है उसको दीजिए। जी शेख, सरदार वाला जो मैंने पूछा था कि गांव में जो सरदार चुनते हैं, तो कुछ उलमा बोलते हैं कि उन्हीं को जकात का पैसा देना चाहिए ताकि वो अच्छे से बांटें, और हमको दिख रहा होता है कि वो ना बांटते नहीं है, किसी को 10 रुपए, किसी को 20, किसी को 40 ऐसे दे रहे हैं। इस मौके पे एक बंदे ने अपना जकात का पैसा किसी गरीब को दिया ना ऐसे, तो उसको बाहर से निकाल दिया, जकात से निकाल दिया। बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात। जकात को बांटने का 2 तरीका है, और ये दोनों तरीके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी पाए गए हैं। एक तरीका ये है कि जकात के माल को सारे मुसलमान कहीं इकट्ठा जमा करें, जैसे अगर इस्लामी हुकूमत है तो वहां पर बाकायदा जकात के लिए जो है अलग डिपार्टमेंट होता है हुकूमत के यहाँ, सऊदीया में भी जैसे है, उसके लिए मिनिस्ट्री होती है मुस्तकिल तौर से अलग। तो अगर बैतुल माल है मुसलमानों का, कोई ऐसा इंतजाम है, तो वहां सारे लोग जकात का माल इकट्ठा करके फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको, पता करके, देख करके, मुनज्जम अंदाज में। बल्कि इसका बहुत फायदा होगा क्योंकि बाकायदा टीम होगी जो पता करेगी कौन कितना जरूरतमंद है, तो उसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन यह उस सूरत में जब उसका अच्छा इस्तेमाल हो तब, अगर वहां पे करप्शन आ जाए जैसा कि हर जगह आ गया है, चाहे कोई दीनी शोभा हो या सियासी शोभा हो, हर जगह करप्शन आ गया है, अगर आप देख रहे हैं कि वहां पे करप्शन है तब वहां मत दीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि ठीक ठाक तरीके से हो रहा है काम, तब वहां पे देना ये बहुत बेहतर है, क्योंकि वहां से ज्यादा अच्छे अंदाज में बांटा जा सकता है। और किसी मौलाना के कहने से जो है नहीं हो जाता है कि मौलाना ने कह दिया है कि फला आदमी को ही देना तो फिर उसी को देना है। भाई आप जकात निकाल रहे हैं, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि आप चेक करें कि मेरा जो मेरा माल है जकात का वो सही आदमी तक पहुंच रहा है कि नहीं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। तो ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जकात को डायरेक्ट जो मिस्कीन, फकीर, जो मुस्तहिक है उस तक आदमी खुद भी पहुंचा सकता है, उससे भी जकात अदा हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि वो जो आदमी जमा कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, तो आप खुद जो है पता करके जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंचा दीजिए। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख।